हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मैथ्स का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने चल रहे हैं, जो टेट की जो परीक्षा होने वाली है हमारे, उसके लिए बहुत ज़्यादा एग्जाम है। सी टेट यहाँ पर हमने लिख रखा है, सी टेट के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, बाकी और भी जो स्टेट के लोग टेट की परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सबसे फर्स्ट टॉपिक, सबसे फर्स्ट चैप्टर हम यहाँ पे स्टार्ट करने चल रहे हैं, जो कि है नंबर सिस्टम। यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को नंबर्स के बारे में बताऊँगा, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, मीन्स प्राकृतिक संख्याएँ क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएँ क्या होती हैं, परिमेय संख्याएँ क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएँ क्या होती हैं, कैसे उनको आप लोग पहचानेंगे। इसके साथ साथ हम उनको याद करने की आपको ट्रिक भी बता देंगे। उसके बाद सम संख्या, विषम संख्या, ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो में समझने वाले हैं, तो खूब ध्यान से आप लोग बैठ जाएं और ध्यान समझें। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो छोटी छोटी बातें हम आपको बताते चलेंगे, प्लीज़ आप एक कॉपी बना लीजिए, उसमें आप नोट करिए, क्योंकि इस वीडियो से कम दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आने वाला है। तो आइए हम लोग बिना टाइम खराब किए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, नंबर्स मीन्स संख्या होता है, सिस्टम मीन्स पद्धति होती है, तो चैप्टर का नाम हमारा नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति। तो इसमें हमें पढ़ना क्या है दोस्तों, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है संख्याओं के बारे में, नंबर्स के बारे में। देखिए, जब हम किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं उसकी कोई ना कोई आवश्यकता होती है। देखिए होता क्या है, जैसे हम अपने घर की बात कर लें, हमारे घर में क्या होता है, कोई भी चीज़ हम लोग रखते हैं तो एक सिस्टम से रखते हैं। क्या सिस्टम से मतलब, किचन में किचन का सामान रखा हुआ है, वाशरूम में वाशरूम का सामान रखा हुआ है। उसी प्रकार से जो नंबर्स हैं, जब ढेर सारे नंबर्स डिस्कवर हो गए तो उनको क्या किया गया, अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया, उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे उनको रखा गया। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर नंबर्स का क्लासिफिकेशन करेंगे और नंबर्स को पहचानेंगे। तो फर्स्ट नंबर जो आता है निकल करके, वो है हमारा प्राकृतिक संख्या, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। सिंपल सा, अगर आपसे पूछता है कोई प्राकृतिक संख्या है क्या, हम जब बोलेंगे द काउंटिंग नंबर्स, गिनती की जो संख्याएँ होती हैं उन्हीं संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएँ कहते हैं। डेफिनेशन से आपको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, सो मैं एक बार बोल दिया हूँ तो उसको आप लोग चाहेंगे तो नोट कर लेंगे। तो नेचुरल नंबर्स में आएंगे क्या, नेचुरल नंबर्स को हमेशा कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा। और इसमें कौन आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये नेचुरल नंबर्स हमारे। अब इसमें आपको ध्यान क्या देना है, एक छोटी सी बात, इस छोटी सी चीज़ में आपसे क्या पूछा जा सकता है, ये चीज़ जरूर ध्यान रखेंगे। हमको इस चैप्टर में हमसे पूछा क्या जा सकता है, क्योंकि चीज़ें हमारे पास बहुत ज़्यादा होती जाती जाती हैं, उससे हमसे मतलब नहीं है। बस हम ये छोटी छोटी चीज़ों पर जब कोई भी चीज़ हम लोग सीखें तो उसके बारे में ये जरूर जानें कि इसमें से हमसे पूछा क्या जा सकता है, उसको हम लोग इंपॉर्टेंट में रखें। तो इसमें से आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, क्या पूछेगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या अगर हमसे पूछता है तो मैं क्या बताऊंगा, 1। याद रखिएगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है। और यहीं पर सबसे अगर हमसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछ लेता है देन इसको हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, या हिंदी में उसको हम क्या बोलेंगे, अपरिभाषित बोलेंगे। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या डिफाइन नहीं है, उसको हम बता नहीं सकते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, सिंपल सा, जब इसी नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड किया जाता है। आपको पता है जीरो की खोज हमारे यहाँ ही हुई थी, भारत में ही हुई थी, आर्यभट्ट नाम के गणितज्ञ ने खोजा था इसको। तो जब हम जीरो की खोज हुई उसके बाद ही 10 से आगे के नंबर, 9 से आगे के नंबर बढ़े हैं, क्योंकि आपको पता है 10 में 10 जो बनता है वो जीरो के मिलाने से ही बनता है। तो पूर्ण संख्या क्या है, सिंपल सा, नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर लीजिए, क्या मिलेगा आपको, पूर्ण संख्याओं को W से दिखाते हैं और जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं तो बचेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड डॉट 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 इनफाइनाइट। आपसे कोई पूछेगा सबसे छोटा होल नंबर, तो क्या बताएंगे, कौन है, जीरो है, स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारा जीरो है। अगर ग्रेटेस्ट कोई पूछेगा तो वही आप बताएंगे नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन मीन्स अपरिभाषित, यहाँ पर भी आप ध्यान रखेंगे। ये है पूर्ण संख्या में सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन हो गई, जीरो हो गई, और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, कौन सी हो गई, अपरिभाषित है, मीन्स वो डिफाइन नहीं है। इसके बाद जब प्राकृतिक संख्याएं हो गई, पूर्ण संख्याएं होंगी, तब बात आती है पूर्णांक की। पूर्णांक क्या होते हैं, जब पॉजिटिव नंबर्स के साथ साथ हम लोग निगेटिव को भी इंक्लूड कर लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। अच्छा, पूर्णांक के नाम से आपको क्लियर थोड़ा सा हो रहा होगा कि ये दो शब्दों से बना हुआ है, पूर्ण धन अंक, ध्यान दीजिए, पूर्ण और धन अंक, मतलब वह अंक जो पूरा पूरा हो, 58-54 ना हो, मतलब जैसे 5/2 लिख दिए गए तो ये पूरा नहीं है, 1/2 लिखा गया ये पूरा नहीं है, केवल 2 लिखा गया तो ये क्या है, पूरा है। जो नंबर्स पूरे पूरे हैं उन्हीं को हम बोलेंगे पूर्ण संख्या है। बट इसमें ध्यान कितना देना है कि हमारे पास दो तरह की पूर्ण संख्याएँ हो गई, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो दो प्रकार के पूर्ण संख्याएँ होंगी, कौन कौन सी भाई, धनात्मक पूर्ण संख्याएँ, धनात्मक, जिसको हम बोलेंगे
पॉजिटिव, और दूसरा हमारा हो गया कौन सा, ऋणात्मक, जिसको हम बोलेंगे निगेटिव, निगेटिव पूर्णांक। देखिए तो क्या होता है इसमें, सिंपल सा, जब हम धनात्मक की बात करते हैं, जब हम धनात्मक की बात करते हैं तो उसको हम लोग आई प्लस से आर, इसको मैं जेड प्लस से भी रिप्रेजेंट करता हूँ। तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पॉजिटिव में 1, 2, 3, 4, 5 एंड डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ऐसे ही अगर हम ऋणात्मक की बात करेंगे तो इसको आई माइनस से आर हम जेड माइनस रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे हमको वही मिलेगा कौन सा, सबसे पहले माइनस इनफाइनाइट होगा डॉट डॉट डॉट, लास्ट में माइनस टू माइनस वन एंड सिंपल सा ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, तो सबसे छोटा पूर्णांक माइनस इनफाइनाइट है, सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है, प्लस इनफाइनाइट। मतलब ना सबसे छोटा पूर्णांक डिफाइन है और ना ही सबसे बड़ा पूर्णांक डिफाइन है। अब आप ये सोच रहे होंगे सर इस पूर्णांक में तो जीरो नहीं आया। देखो भाई जब वो पूर्णांक बोलेगा देन उसको हम जीरो को उसमें इंक्लूड करेंगे, लेकिन जब वो पॉजिटिव और निगेटिव की बात करेगा तो जीरो से बाहर हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने देखा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। अब बात आती है परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याओं की सिंपल सी डेफिनेशन होती है, ऐसी संख्याएँ, ध्यान दीजिएगा इसको जरूर ध्यान दें, ऐसी संख्याएँ, कैसी संख्याएँ भाई, ऐसी संख्याएँ जिन्हें पी बटी क्यू के रूप में लिखा जा सके, लिखा जा सके, परंतु क्यू डज नॉट इज इक्वल टू, साथ ही साथ पी तथा क्यू क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। पी और क्यू क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। अगर P और Q पूर्णांक हैं तो इस प्रकार के जितने भी नंबर्स हैं उन्हें हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। तो ध्यान दीजिए आप लोग, क्या सारी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, यस। क्या सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, यस। क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं, बिल्कुल। आप देखेंगे तो एक संख्या दूसरे के अंदर इंक्लूड होती चली जा रही है। इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, जितने भी नंबर्स 1/2, 1/5, 2/11, 0, 0 भी एक परिमेय संख्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जीरो एक परिमेय संख्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है कि भाई जीरो परिमेय संख्या है या नहीं। तो नोट करिएगा कि नोट में आप जरूर लिखिएगा जीरो एक परिमेय संख्या है। क्यों भाई, क्योंकि हम जीरो को 0/5, 0/2, 0/1 लिख सकते हैं, और ये किस फॉर्म का है हमारा, पी वाई क्यू के फॉर्म का है, और पी जीरो है, जीरो भी एक पूर्णांक है और फाइव भी एक पूर्णांक है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ये परिमेय संख्या है, जीरो परिमेय संख्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है अपरिमेय संख्या, सिंपल सी डेफिनेशन, वे संख्या जिन्हें पी बटे क्यू के फॉर्म में हम नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं, उनको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं की खास बात यह होती है कि उनका जब हम दशमलव प्रसार करते हैं, ध्यान रखिएगा अपरिमेय संख्याओं का, इसको मैं कभी किसी वीडियो में खूब डिटेल में डिस्कस करूंगा, अभी आप अपने काम की बात सुन लीजिए। अपरिमेय संख्याओं की एक खास बात होती है, जब उनको दशमलव बदल जाता है, उनका दशमलव बदल अशांत होता है, अशांत अनावर्ती होता है, मतलब ना तो वो शांत होता है और ना ही कहीं रिपीट करता है। वो सबसे अच्छी पहचान होती है अपरिमेय संख्याओं की। मैं सिंपल बताता हूँ, अगर आपको याद करने की ट्रिक क्या है, अगर आपको कहीं भी स्क्वायर रूट में कोई भी नंबर दिखे तो सिंपल सा आप बोल दीजिएगा सर जी ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 जो है वो परिमेय संख्या हो जाएगी। तो स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट नहीं, उसका वर्गमूल नहीं निकलना चाहिए। अगर वर्गमूल नहीं निकल रहा है देन आप जान जाएंगे को क्या है, अपरिमेय संख्या। इसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पाई, सबको पता होगा पाई जो होता है, पाई की वैल्यू 22/7 होता है। सभी स्टूडेंट्स, सभी दोस्तों, सभी लोग ये गलती करते हैं कि जब एग्जाम में लिख कर के आता है पाई रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, अर्थात परिमेय संख्या है पाई की अपरिमेय संख्या है, तो सभी लोग ये गलती करते हैं। और आपको पता होता है कि सर पाई को हम 22/7 लिख सकते हैं तो डेफिनेटली ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। लेकिन दोस्तों इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा कि पाई परिमेय संख्या नहीं होती है, पाई कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अगर आपसे पूछेगा पाई कैसी संख्या तो आप क्या बताओगे, अपरिमेय संख्या बताओगे। अगर आपसे पूछेगा 22/7 क्या तो आप उसको परिमेय बताओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है।
तो पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। किसी आगे चल के हम फिर से इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा रीजन बता दें, क्योंकि जो पाई की वैल्यू होती है उसको वैल्यू को हम फाइंड करते हैं, इसका डेसिमल एक्सपेंशन आसान अनावर्ती आता है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। अभी आप एक चीज मान में बैठा लीजिए कि पाई अपरिमेय संख्या है और 22/7 पूछेगा, तो हम क्या बोलेंगे उसको? परिमेय संख्या बोलेंगे। अब देखिए, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को समझने के पश्चात हम पहुँचते हैं वास्तविक संख्याओं की दुनिया में। वास्तविक संख्याएँ क्या हैं? वास्तविक संख्या की सिंपल सी डेफिनेशन है, वास्तविक संख्या की डेफिनेशन है सिंपल सा, परिमेय संख्याएं और धन अपरिमेय संख्याएं, परिमेय और धन अपरिमेय। जब परिमेय और अपरिमेय को आपस में मिला लिया जाता है तो वो क्या बन जाती है? वास्तविक संख्याएं बन जाती हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने स्टार्टिंग के सारे नंबर्स के बारे में जाना। अब बात ये उठती है, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि भाई हम इन नंबर्स को लर्न करने का हूँ, किस चीज़ की ट्रिक है भाई? नंबर्स को याद करने की ट्रिक। देखिए, अभी हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया है और उसमें पाया है कि भाई जो सबसे पहले नंबर जिनके बारे में हमने डिस्कस किया वो कौन से थे? हमारे नेचुरल नंबर्स थे, जिनको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, और इनको हम n से डिनोट करते हैं। कौन आता है इसमें? वन से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3 एंड डॉट डॉट डॉट। इससे हम लोगों ने सीखा, ये एक शॉर्ट रिवीजन है, और उतना चीज़ें जो हमने वहाँ पर डिस्कस किया है वो आपको कम भी समझ में आया होगा। और ये छोटा सा पैकेट मैं आपको देने वाला हूँ, जो ये छोटा सा पैकेट आप ध्यान में रखेंगे तो आज के बाद कभी भी आपको नंबर्स में प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नेचुरल नंबर्स क्या है हमारे? 1, 2, 3 एंड डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से क्वेश्चन, जो भी हमने बात किया था कि वन क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? नॉट डिफाइंड है। अब दोस्तों हुआ क्या, बाद में जब जीरो की खोज हो गई तो जीरो इसी में क्या हो गया? इंक्लूड हो गया। तो जीरो को इंक्लूड करने के बाद आया हमारा पूर्ण संख्या, जिसको हम डब्ल्यू से दिखाते हैं। सिंपल सा, इसी में जीरो को बढ़ा दीजिए तो 0, 1, 2, 3 एंड 4 डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो जाएंगी? हमारी पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, जिसको हम बोलते हैं होल नंबर्स। अब वहां पे देखिए, एक चीज समझिए तो आप लोग, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है भाई? सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? अपरिभाषित है, नॉट डिफाइंड है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो मैंने बड़ा सा पैकेट बनाया है, इस पैकेट के अंदर आप देख रहे होंगे कि नेचुरल नंबर इसी के अंदर आ रहे हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि सभी प्राकृतिक संख्याएँ पूर्ण संख्याएँ होती हैं? ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, सभी प्राकृतिक संख्याएँ, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर के अंदर बिलोंग करते हैं, इसलिए सभी नेचुरल नंबर को हम होल नंबर कह सकते हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते। उसका रीजन क्या है कि जीरो एक ऐसा नंबर है जो पूर्ण तो है बट ये नेचुरल नहीं है। तो पूर्ण संख्याएं हो गई, प्राकृतिक संख्याएं हो गई। इसके बाद नेक्स्ट नंबर जो आया आपको दिखाया गया था, उसको मैंने बोला था पूर्णांक। पूर्णांक जो होता है उसको इंग्लिश में हम इंटीजर्स बोलते हैं, और को आपको पता है कि इंटीजर्स दो तरह के होते हैं, और दोनों इंटीजर्स को मिला करके उसको हम जेड से दिखाते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव को मिला करके। इसके बीच में जीरो होगा, 1, 2, 3 एंड डॉट डॉट, इधर पॉजिटिव की तरफ, इधर -1, 2 एंड डॉट डॉट डॉट। ये हमारा हो गया पूर्णांक। पूर्णांक की आप देखो, फिर से देखो, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होते हैं, गुड, सही है, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होते हैं, बिल्कुल। तो पूर्णांक के अंदर ये सारी संख्या आप देख रहे हैं कि पीछे से इन संख्याओं में कनेक्शन मिलता चला जा रहा है, ये सब इसी के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, इसी के अंदर इसी की फैमिली से बिलोंग करते हैं। जब पूर्णांकों की खोज हो गई तो पूर्णांकों के बाद किसका नंबर आया भाई? पूर्णांकों के बाद हमारा नंबर आया परिमेय संख्याओं की। ध्यान रखिएगा, कैसी संख्याएँ? परिमेय संख्याएँ। तो परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन क्या बताई गई आपको? द नंबर्स ऐसी संख्याएं जिनको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, q जीरो नहीं होना चाहिए, p और q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। ऐसी संख्याओं को हमने क्या बोला था? परिमेय संख्या बोला था। इसका एग्जांपल 1, 2, 1/2, 5/11, 0, इम्पॉर्टेंट, ये सब क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। इन सारी संख्याओं के अलावा संख्या के एक अलग दुनिया जो इनसे मिलती नहीं है, उसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, जिनको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स जैसे √2, √3, √5, सबसे इम्पॉर्टेंट पाई भाई, पाई, क्योंकि पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। अब इन सभी नंबर्स को जब हम मिला देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? जो हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं भाई? वास्तविक संख्याएं बोलते हैं।
जिनको हम कहते हैं रियल नंबर्स। तो ये छोटा सा पैकेट जो हमने आपको दिया है, मुझे पूरा विश्वास है कि इसको अगर आप लोग अपनी कॉपी में बना लेंगे देन आपको कभी नंबर में कन्फ्यूजन नहीं होगा। जो जिसके अंदर है, जो जिसके बाहर है, ये आप लोग समझ सकते हैं। तो एक बात ये हम आपको बता दें कि इस दुनिया में अभी तक आप लोगों ने जितने भी नंबर्स के बारे में पढ़ा है, खासकर क्लास 10 तक, वो सारे के सारे नंबर वास्तविक संख्याएँ होती हैं। तो आइए इतना समझने के बाद हम क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो हम डिस्कस करेंगे संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने यह सीख लिया कि नंबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। अब उन नंबर्स के अलग अलग कैटेगरी के बेसिस पे हम लोग उनको कैटेगराइज करेंगे, उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे सपोज हमारे पास 35 एक नंबर है, तो आपको पता है कि 35 में एक प्रॉपर्टी है भाई कि ये 5 से डिविजिबल है, 5 से डिवाइड करने पर ये 7 आता है। बट हम देख रहे हैं 21 एक नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, बट हमारे पास एक नंबर 7 ऐसा है जो किसी से डिविजिबल है ही नहीं। तो इसका मतलब ये किसी न किसी एक स्पेशल प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो उनकी स्पेशल प्रॉपर्टी, उनकी स्पेशल गुणधर्मों के आधार पर संख्याओं को अलग अलग प्रकार से डिवाइड किया जाएगा। तो पहला नंबर्स हम लोग पढ़ने चल रहे हैं सम संख्याएँ, जिनको बोलते हैं हम इवन नंबर्स। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, ऐसी संख्याएँ जो 2 से भाज्य हों। ध्यान रखिएगा, क्या हों? 2 से भाज्य हों। 2 से भाज्य जो संख्याएं होंगी वो संख्याएं क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं कहलाएंगी। इसका एग्जांपल क्या है? 2, 4, 6, 8, 20, ये सब क्या है? सम संख्याएं हैं, क्योंकि ये सब के सब 2 से पूर्णतया भाज्य हैं, मतलब 2 से कट जाएंगी। अब देखिए, जब इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, बड़ा सा नंबर लिख देगा भाई, क्या लिख देगा? 215470, बोलेगा बोलो ये सम है या विषम है। तो आपको मैं यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे आप लोग जानेंगे कि कोई नंबर सम है या विषम है। तो ट्रिक ये है कि अगर नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 इन नंबर में से कोई भी नंबर आएगा, देन आप जान लेंगे कि वो 2 से डिविजिबल होगा। और अगर 2 से डिविजिबल होगा तो कैसा नंबर होगा? इवन नंबर होगा। तो यहाँ देख सकते हैं जो नंबर हमने लिख रखा है इसके लास्ट में क्या है? 0 है, मींस ये 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, और इसलिए कौन सा नंबर है? ये सम संख्या है, इवन नंबर है। और कोई एग्जाम्पल, 51278, देखिए लास्ट में कितना है? 8 है, इसलिए ये भी क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा, अर्थात ये कौन सी संख्या होगी? सम संख्या होगी। विषम संख्या इसकी जस्ट अपोजिट है, ऐसी संख्या जो 2 से भाज्य ना हो। जो संख्याएं 2 से भाज्य नहीं होंगी उन संख्याओं को हम कौन संख्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। इसके लिए ट्रिक क्या है? सिंपल सी भाई, जिनके लास्ट में ये नहीं आएगा वही क्या होंगी? विषम संख्या। तो भाई आएगा क्या? ट्रिक में नोट कर लेते हैं हम। तो आएगा क्या? 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और 9 आएगा। इन नंबर्स में से अगर किसी नंबर के लास्ट में ये नंबर्स आते हैं, मींस उसका इकाई का अंक ये होता है, तो सिंपल सा वो विषम संख्या हो जाए, क्योंकि वो 2 से नहीं कटेगी। जैसे 57817, तो इसके लास्ट में कौन आया है? 7 आया है, तो ये कौन सा नंबर होगा? ऑड नंबर होगा, विषम संख्या होगी। 5285, उसके बाद हम यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 27 या 29 लिख देते हैं, तो ये भी कैसा नंबर होगा? विषम नंबर होगा, ऑड नंबर्स होगा, क्योंकि ये भी जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है अभाज्य संख्याएं। देखिए ध्यान से देखिएगा, अभाज्य संख्या इंपॉर्टेंट है। ऐसी संख्याएं जो केवल स्वयं और एक से कटें, ध्यान दीजिएगा, वे संख्याएं जो केवल स्वयं से कटें या किससे कटें? एक से कटें, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पहले आप नोट कर लीजिए इसका फार्मूला क्या है। ओनली वन आर इटसेल्फ, केवल किससे कटेगा? ये एक से या स्वयं से कटेगा, वह संख्याएं क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 7 है, तो 7 के केवल 2 फैक्टर्स होंगे, 7 और 1। जैसे हमारा 13 है, 13 के 2 गुणनखंड होंगे, 13 और 1। तो ये कैसे नंबर्स हैं हमारे? अभाज्य नंबर्स हैं, मतलब प्राइम नंबर्स हैं, जो स्वयं से कटेंगे या तो एक से कटेंगे। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त कुछ और संख्याओं से भी कट जाती हैं, वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 8 की
बात मैं करता हूँ तो 8 क्या होगा, 8 से भी कैंसिल होगा, 1 से भी कैंसिल होगा, साथ ही साथ 2 से भी कैंसिल होगा और 4 से भी कैंसिल होगा। तो इतने सारे फैक्टर्स इसके हमें मिल रहे हैं, इसलिए कैसा नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। और किसकी बात करते हैं हम, 27 की बात करते हैं। 27 क्या होगा, 27 भाई 27 से तो कैंसिल होगा ही, 1 से भी होगा, उसके बाद 9 से भी होगा, 3 से भी होगा, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, हमें इसके मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू गुणनखंड यहाँ हमें फाइंड हो रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए कैसी संख्या, ये भाज्य संख्या है। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट नोट आपको हम बताने वाले हैं, नोट में आप रखिएगा कि जो दो है, दो सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या है। ध्यान दीजिएगा, होता क्या है कि जितनी भी सम संख्याएं होती हैं, जितने भी इवन नंबर्स होते हैं, वो सब के सब भाज्य होते हैं, मींस वो स्वयं और एक के अतिरिक्त और भी नंबरों से कटते हैं, लेकिन दो ही एक ऐसी संख्या है जो क्या है, अभाज्य है। इसलिए आपसे कभी पूछा गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आप 3 नहीं बोलेंगे, कौन सा बोलेंगे, 2 बोलेंगे, क्योंकि 2 भी उस डेफिनेशन को फॉलो करता है, 2 केवल 2 से कटेगा या तो 1 से कटेगा, भले ही सम संख्या है लेकिन ये क्या है, अभाज्य संख्या भी है। फिर आगे बात आती है सहभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं, सह मीन्स साथ साथ, सह मीन्स क्या होगा, साथ साथ साथ, और भाज्य मतलब आपको पता ही है जो कटे, तो ऐसी संख्याएं जो साथ साथ किसी एक ही नंबर से कट जाएं वो संख्या क्या कहलाएंगी, सहभाज्य। जैसे हम लिख लें 18 और लिख लें 9, तो ये जो 18 है ये डिविजिबल होगा 9 से और ये 9 भी डिविजिबल होगा 9 से, दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए क्या है, सहभाज्य। जैसे हम लिख दें 27 लिख दिया हमने और 18 लिख दिया, तो ये भी डिविजिबल है 9 से, या सपोज करिए ये 3 से डिविजिबल है और ये भी 3 से डिविजिबल है, तो दोनों में क्या है, एक कॉमन फैक्टर्स है, दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए कौन सी संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं। अब बात होती है सहभाज्य संख्याओं की, सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो साथ साथ किसी एक ही नंबर से ना काटें। जैसे हम 13 ले लें और क्या ले लें, 27 ले लें, तो आपको पता है 13 के केवल दो फैक्टर्स होंगे, होगा 13 और क्या होगा, 1, इसके दो फैक्टर्स जो हम इस ये मीन्स ये 13 और 1 के अलावा किसी से नहीं कटेगा और 27 13 से नहीं कटेगा, इसका मतलब इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए ये क्या है, सह अभाज्य संख्या है। तो सिंपल सा आप लोगों ने इस होल डिस्कशन में पूरा नंबर्स के बारे में जान लिया है, अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ही इजी होगा हम लोगों को, तो इस वीडियो को आप लोग खूब ध्यान समझे। देखिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये बहुत ही ईजी चीज़ें हैं, इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में लोग गलतियां करते हैं, इसलिए हमने एकदम बेसिक से आप लोगों का सिलेबस स्टार्ट किया, स्पेशली टेट वालों के लिए हमने स्टार्ट किया, क्योंकि टेट वालों में ज़्यादातर लोग आर्ट साइड के होते हैं और वो बहुत सारी समस्याएं करते हैं और उनको लगता है कि मैथ मेरी बहुत वीक है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर इस वीडियो को, इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करते हैं और रेगुलर आप देखते रहते हैं, तो फिर मैं आपको मैथ आपकी आंखों से दिखा दूंगा, दोबारा आप कभी नहीं कहेंगे कि मैथ टफ होती है। तो बड़े उत्साह से इस नोट्स को बनाएं और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें, जल्द ही आएगा। थैंक यू।